बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को हिंट दूंगी मैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बतानी है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। जी, चैप्टर नंबर टू में से हमारे पास चैप्टर नंबर टू है आपके पास काइनेमेटिक्स, उसमें से इंपॉर्टेंट आती हैं डेफिनेशंस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रेस्ट एंड मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, एक्सेलरेशन एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये आपके पास इंपॉर्टेंट आती हैं डेफिनेशंस। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ मोशन, डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद आपके पास एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, जो एग्जांपल में भी है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें से अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स, फाइंड एक्सेलरेशन व्हाट इज दैट इज प्रोड्यूस बाय 15 न्यूटन फोर्स इन द मास ऑफ 20 kg। ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसके बाद प्रूफ डैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये आपके पास जो है वो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई थिंक सो ये है। तो ये आपने ये जो इक्वेशन है इसको प्रूफ करना है। ये आपके पास आ जाती हैं दो चीज़ें चैप्टर नंबर टू से। अभी आपको मैं जो है वो डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हर चैप्टर में से मेंशन करवाती रहूँगी, तो स्टे ट्यून। और अगर कोई आपको गाइडलाइन चाहिए या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।